देखते रे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। 6 जनवरी को 350 आदमी को कंपनी से बाहर कर दिया गया, अभी तक उसकी कोई बहाली नहीं हो पाई। तो हम लोग इसीलिए सरकार के विरोध में आए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने, कि कम से कम हमारा नौकरी तो न गायब हो, नौकरी ही छीन ले रहा है तो क्या करेंगे हम, हमारी नौकरी पर आ रही है। हम आए एयरपोर्ट तीतरी, इंटरनेशनल तीतरी से। हम है ना वहाँ कम से कम 11 साल से काम करे, शुरू होने से पहले 3-4 कॉन्ट्रैक्ट आए गए, पुराने बंदे लिए जाते, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता था। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पुराने बंदे कुछ लिए कुछ नहीं लिए, आधे बंदे बाहर निकाल दिए। ये कल रात के हैंडओवर दिया गया, एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया हमें। जो हमारा एयरपोर्ट का पास बनता है बकायदा अंदर जाने के लिए, वो हमारे कर्मचारियों का किसी का पास नहीं बनने के बाद बावजूद फाड़ दिया गया। किसी भी वर्कर को, हमारे को कर्मचारी को किसी को भी ड्यूटी पे नहीं लिया, उन्होंने नए भर्ती कर लिए। ये जन विरोधी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये महंगाई विरोधी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। जो लॉकडाउन लगाया गया सरकार की, एक बिल्कुल अनप्लान्ड जो लॉकडाउन था, उसमें जो हमने भिन्न भिन्न नेशनल मीडिया के द्वारा भी, जो बड़े अखबार है, प्रिंट मीडिया है, उसके द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार प्रवासी मजदूर जो है गुड़गांव से जो है पैदल अपने गांव की तरफ गए, क्योंकि उनके सामने जो रोटी का संकट पैदा हो गया था और सरकार ने कोई तैयारियाँ नहीं की उनके लिए। और उसके दौरान जो वहाँ पर मजदूर थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, उनके जो उनको फैक्ट्रियों से निकाला गया, खुद हमारी कंपनी में भी 290 अस्थायी मजदूरों को, यानी ठेका मजदूरों को, लॉकडाउन के दौरान निकाला गया। और जो पुराने ठेका मजदूर थे उनकी 1 महीने की तनख्वाहें जो है काट गई है लॉकडाउन के दौरान के घटनाक्रम में जो मजदूरों के साथ हुए, और जो उनकी तनख्वाहों से लेकर उनकी वेतन कटौती से लेकर ये परमानेंट जो वर्कर थे, वेतन कटौती वाला मामला, उनके वहाँ भी जो है परमानेंट मजदूरों में भी लॉकडाउन के दौरान किया गया। और अब जो बातचीत करते हैं लॉकडाउन के बाद की बातचीत, तो स्थिति जो है अभी भी मतलब कोई खास नहीं है। और ऊपर से जो लॉकडाउन की मार और ऊपर से फिर लेबर कोड की मार, दोरी मार मजदूर अभी झेल रहे हैं। रोजगार के अवसर बिल्कुल सीमित कर दिए गए हैं। अगर फैक्ट्रियों में हैं भी तो वो एक बड़े सत्र पे जो है ठेका मजदूरी के तहत ही जो है 8-10 हजार रुपए में काम करने के लिए बाध्य। मजदूरों पर बंधुआपन थोपना और देश को, लोकतंत्र को खत्म करना, ये करने के लिए ये सारे कदम उठाया जा रहा है। उसी दिशा में खेती का कानून भी बनाया है। पूरा देश को बेचने के जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है, देशी विदेशी बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास, इसको कोई विरोध ना हो, प्रतिरोध ना हो, इसीलिए आम मजदूर और किसान पर बंधुआपन थोपने का एक साजिश है। सरकार ने हमारे 44 कानूनों को मसल कर 4 कोडों में पार्लियामेंट के अंदर बिना बहस कराए उनको जिस तरीके से किसानों के बिल के साथ पास कराया है, वो प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारे देश का संविधान के ऊपर हमला है। और इस तरीके की तानाशाही हमारे देश में मेरे ख्याल से चलने नहीं देगी देश की जनता। 4 में भी अभी ऐसा कानून ला रहा है कि 10 घंटे का काम करो या उनको पैसा कम दो, तनख्वाह काट लिए जा रही है, कानून के नाम पर ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये केवल कैपिटल के पक्ष में है, लेबर के पक्ष में कुछ है ही नहीं है। लेबर को समाप्त करने के लिए, श्रमिकों को समाप्त करने के लिए, अगर श्रमिक समाप्त हो गए तो पूंजी लगा के कोई कारखाना चल सकता है क्या? इसलिए देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के विकास के, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देश के जितने भी हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए जो बिल लाया गया है
वो भी बिना बहस के उनके बिल पास कर दिए गए हैं। जमीनें किसानों की हैं, सरकार उसके ऊपर बता रही है कि आपको ऐसे काम करना है। ऐसे ही मजदूरों के लिए उनके हित में जो कानून बने थे वो बिना हमारे से बात किए हुए मालिक सरकार को गाइड कर रहे हैं कि ऐसे श्रम कानून हमारे को चाहिए। हमारे देश की सरकार ने मालिकों को छूट दे दी है कि देश के कामगार को जो देश का निर्माण करता है उसको बंधुआ मजदूर बनाकर 12-12 घंटे काम लेकर उसको न्यूनतम वेतन देने के लिए भी कोई मालिक तैयार नहीं है। उनको ड्यूटी पर चोट लग जाए उनका नाम काट दिया जाता है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट ले आए हैं, अब वो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट 6 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, वो एक बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करेगा। जो पुराने श्रम अधिकार थे मजदूरों के, जो काफी एक अकूत कुर्बानियों लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुए थे, उन तमाम जो है अधिकारों को, श्रम अधिकारों को 4 लेबर कोड में समेट के जो है मजदूर वर्ग के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला जो है सरकार ने, अभी मोदी सरकार ने बोला। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कभी कोई आपदा आ जाए उस आपदा को अवसर में बदल दो, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इस पैंडमिक को, महामारी को आपदा में अवसर में बदलकर अपने नजदीकी पूंजीपति को 6 एयरपोर्ट हैंडओवर कर दिए हैं। इसी तरीके से भारतीय रेलवे को, कोल माइन को भी गौतम अडानी और वेदांता, ये सारी कोल माइन को खरीदने का काम कर रहे हैं और हमारे पक्के कर्मचारियों की नौकरियां उनके द्वारा ठेके पे फिक्स टर्म पर ट्रांसफर की जा रही हैं, जिनको ना तो कोई मेडिकल की सुविधा मिलेगी, ना उनको बुढ़ापे का सारा पेंशन मिलेगा, ना ड्यूटी पे चोट लगेगी उनको कंपनसेशन मिलेगा, और 12-12 घंटे उनसे वो काम लेंगे। इस तरीके का वातावरण पूरे देश में बनाया हुआ है। ये कानून श्रमिकों के हित में तो नहीं है, देश के हित में नहीं है। देश को ख़त्म कर, देश की आज़ादी, देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, सब कुछ दांव पे लग गया है। नहीं चलेगी।